I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. बस चल रहा है यार। यार कब कॉलेज खत्म हो गया, डिग्री भी मिल गई, पता ही नहीं चला। अरे छोड़ना यार, फिर कब मिलेंगे? क्यों, अपन दोनों एमबीए करने वाले ना। अरे एडमिशन तो यूं मिल जाएगी यार। यार मार पापा नहीं मानेंगे, वो तो कहते कि बहुत पढ़ाई हो गई। अब घर की फैक्ट्री और बिजनेस संभाल और हमारे पास ही रहे। इंदर उनको पटा लेना किसी भी तरह, सिर्फ 2 साल की तो बात है। पापा को तो पटा लूंगा लेकिन माँ इम्पॉसिबल, उल्टा वो मुझे रोकने के लिए पता नहीं इस वक्त क्या क्या कर रही होगी। साफ है, ग्रह दशा भी उत्तम है। जजमान, मुझे तो आपके सुपुत्र के विवाह में कोई बाधा दिखाई नहीं देती। एक के साथ नहीं, कम से कम एक दर्जन लड़कियों के साथ कुंडली मिला चुकी होगी लड़के की माँ, तो आपत्ति क्या है? आपत्ति है, इसीलिए तो सारा पूजा पाठ करवाया था पंडित जी। सबसे बड़ी आपत्ति लड़का खुद है। ऊपर से आपने लड़के की माँ को कह दिया कि शादी इसी साल होनी चाहिए, वरना 15 साल तक शादी का कोई योग नहीं। अब माँ है कि शादी करवाने पर तुली पड़ी है और बेटा है कि शादी करवाना नहीं चाहता। पापा, माँ। ये मेरा इकलौता बेटा है इंदर। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। ये बीकॉम करके आया बैंगलोर से फर्स्ट क्लास में। ये आगे पढ़ना चाहता है लेकिन मेरी बीवी चंडिका, मेरा मतलब चंद्रिका, घर में बहू लाना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता मैं इसकी बात मानूं या इसकी। आप मेरी कुंडली देखकर बताइए ना क्या करना चाहिए। इंदर, अरे सुन तो, सैंडविच खाएगा? नहीं। समोसा लाओ? नहीं। कैसे खाकर आए क्या? मुझे भूख नहीं है माँ। ये तो बुरी बात है ना, 2 घंटे से ज्यादा पेट को खाली नहीं रखा। माँ मुझे भूख नहीं, आई डोंट वांट टू ईट। अब इसे क्या हो गया? अरे भूख हड़ताल करके किसे डरा रहे हो? और हमें डराकर अपने आप को क्या समझते हो, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? जा जाकर खाना खाओ ना यार। कह दिया ना मुझे खाना नहीं खाना। लेकिन बात क्या है भाई? डैड, मेरी माँ जो है हमेशा शादी के बारे में बात करती रहती है। शादी के बारे में? लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी ना मेरे साथ, कमाल करती हो। मजाक मत कीजिए पापा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे एमबीए तक पढ़ने देंगे या नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं 10वीं क्लास में 11 बार फेल हुआ था,
फिर भी सात पुरखों तक किसी को कमाने की जरूरत न पड़े इतना जरूर कमा लिया। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया। और ये देखो, चलो देखो देखो देखो, इतनी सारी लड़कियों में से कोई लड़की तो पसंद आएगी ना, मैं तुम्हारी पसंद अभी और इसी वक्त जानना चाहता हूँ। देखो चलो देखता, अब मैं अपनी पसंद अभी इसी वक्त बता देता। हाँ मुझे सब पसंद है, कराओ मेरी शादी सभी लड़कियों के साथ। बेशरम, अपने बाप से इस तरह से बात करोगे? इतनी मतमीजी से पेश आओगे तो जान ले लूंगा तुम्हारी। हाँ, हाँ, मार डालो मुझे, जान ले लो मेरी। मार डालूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। सुनिए सुनिए जी। क्या सुनिए? जो लड़का अपने माँ बाप का कहानी मानता उस पर क्या दया खाए? ओफो, आप एक बार आइए तो, यहाँ आइए ना। बाहर आइए। क्या है? आप खमा का क्यों उससे बहस किए जा रहे हैं? अगर वो पढ़ना चाहता है तो ठीक है, करने दीजिए उसे पढ़ाई। उसे पढ़ाई करने दूं? क्या कहा? अगर वो पढ़ाई करना चाहता है तो करने दीजिए उसे पढ़ाई, ये आप खुद जाकर कह दीजिए। ठीक है, मैं जाकर उसे बता दूंगा, लेकिन बाद में अपना इरादा मत बदल देना। नहीं, अब जाइए। अरे यार, माँ मान गई? डैड, मुझे यकीन नहीं आता हमारा प्लान इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हुआ। ए, प्लान हमारा नहीं था, तुम्हारा था, सिर्फ तुम्हारा। और एक चेंज तुम्हारा दिमाग मुझे जरा ज्यादा चला। ठीक है, तो आज से आप मुझे पापा बोला। क्या बोला? पापा। तेरे को पापा बुलाऊंगा, हाँ? बेटे को पापा बुलाऊंगा, उल्लू के पास ले पकड़, ले पकड़। माँ, माँ, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो? तो मैं पढ़ने के लिए जाऊं? हाँ जाओ, पर एक बात सुन लो, अब मैं तुम्हारी शादी तब करवाऊंगी जब तुम हाथ जोड़कर मुझसे मिन्नत करोगे, समझे? माँ, यू आर ग्रेट। और तब तुम लक्ष्मी जैसे बहू लाना मेरे लिए, जो तुम्हारा सारा काम संभाले। हाँ माँ, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। नहीं दोगी? थैंक यू माँ। तुम तो खामखा इतनी जल्दी घबरा गई, थोड़ा और डांटने दिया होता तो एकदम मान जाता। हाँ। जाने दीजिए जाने दीजिए, आप दोनों ने आज जो पकाया है उसे तो मैं निगल गई हूँ, और अब मैं जो पका रही हूँ उसे आप निगल कर बताइए। बच गया सारा, आज तो गया। हाँ, कौन है आप? क्या चाहिए आपको? कर्नल आशीन है, आपने मुझे नहीं पहचाना? ओ, ओ जेठी साहब, चतुर्वेदी हरि प्रसाद है ना? आइए आइए। हमको मिले कितने साल हुए बताओ, बता। बहुत बहुत साल हुए। बहुत, यानी एक्सैक्टली 34 इयर्स। अरे वाह, क्या याददाश्त है तुम्हारी है? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, लेकिन तुमको यहाँ चाय पानी पूछने वाला कोई भी नहीं है, वो तो चली गई। नायक, भाभी जी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? 20 साल, इस गुरु पूर्णिमा को 20 साल पूरे होंगे। अच्छा। जानते हो, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, शरीर को शमशान तक नहीं ले जाने दिया, 3 दिन तक उसका हाथ पकड़ कर बैठा रहा, अभी उठेगी अभी उठेगी। आखिर लोगों ने मुझे इंजेक्शन मारकर सुलाया और उसे जलाया। उस दिन से मैं थोड़ा पागल हूँ। तुम कौन है? मैं ये मेरा बेटा है लल्लन। अब ये क्या करता है? अरे मैंने इसे अभी अभी MBA के लिए एडमिशन दिलवाया इसी शहर में, और मैं नहीं चाहता कि ये किसी होटल या हॉस्टल में रहे। अचानक मुझे याद आया कि मेरा दोस्त कर्नल नायर इसी शहर में रहता है, तो मैं तुम्हारे पास चला आया। ये तुम्हारे पास रह सकता है? देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो रहने दीजिए। तकलीफ? देखो, चतुर्वेदी और मैं एक साथ एक ही बेंच पर 5 साल पढ़ा है,
चतुर्वेदी का बेटा मेरा बेटा भी लगता है, तुम्हें यही रहना होगा। वेरी गुड, फिर मैं इसे बैग बिस्तर लेकर कल ही यहाँ भेज देता हूँ। चलिए, कल से तुम यही से कॉलेज जाना। ललन, कोई लव वव का चक्कर तो नहीं है? हाँ। क्या बात करता है, मतलब मामला फिट हो गया? अभी तक नहीं। अच्छा, मतलब छोकरी मिल गई है, पटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, अपन पटा लेंगे। मतलब तेरे लिए। अच्छा, उसका नाम बता। मालूम नहीं। अच्छा, उसको कुछ अता पता? पता नहीं। अरे यार, अच्छा बता उसकी आवाज कैसी है? हाँ। कोई बात हुई? हाँ? नहीं। इंदर ऐसी लड़की है तो सही ना, तूने उसे देखा तो है ना? एक झलक भाई। वेरी गुड। नाम मालूम नहीं, पता मालूम नहीं, फिर वो मिलेगी कैसे? दिल की कलम से। हाय, पांव जमीन पर दिल आसमान में, ये गया काम से। यार मैं भी शायर बन गया। हाँ। चल ढूंढते हैं उसे। क्यों मालूम है, एक हाथी आ रहा था, उस हाथी को उसको भाव करने का था। Excuse me. क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? Of course. Thank you. बैठिए ना। आप हमसे कुछ बात कीजिए ना, please. जैसे हम कोई पुराने दोस्त हो, कुछ कहिए ना। हाँ हाँ। Hello. हेलो 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 जी हेलो 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 हम पल्लवी हैं और ये हमारी दो फ्रेंड्स हैं, पूनम और रितु। हेलो 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 हेलो। हाँ, वो दोनों लड़के एक नंबर के चालू और बदमाश हैं। वो बुट क्या मोटा घुंघराले बाल वाला, वो तो एक नंबर का चालू है, उसका बिल्कुल भरोसा मत करना। हेलो हेलो देखिए, आप लोग हमें गलत मत समझिए,
हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन आप लोगों की वजह से बच गए। एक्चुअली क्या है ना, इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ही मैटनी शो देखने चले गए थे। और ये जो अभी लड़के आए थे ना गाड़ी में, ये हमारे पीछे आकर बैठ गए और हमें छेड़ने लगे। पहले तो हमसे बात करनी चाहिए, फिर हमें पीछे से छूने की कोशिश की, हम डर के मारे वहां से भाग गए, फिर भी उन्होंने हमारा पीछा किया। वो लोग हमसे कहने लगे, आ जाओ हम तुम्हें गाड़ी में लिप देंगे, और जब हमने ना कहा तो बोले हम तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में ले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ आपके पास आकर बैठ गए। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, थैंक्स, अब हम चलते हैं। अरे नो नो, प्लीज वेट, अगर वो लोग इधर आ गया तो आजकल के गुंडे बदमाश लड़कियों को चैन से सड़क पर चलने नहीं देते। तुम लोग इधर ही ठहरो, अपन लोग जरा उनको देख के आता है। अरे नहीं यार, जाने देना, वो लोग वापस नहीं आएंगे, आएंगे तो देख लेंगे। आपको कहाँ तक जाना है? स्टेशन तक, वहाँ से हम ट्रेन में चले जाएंगे। चलिए हम आपको स्टेशन तक छोड़ देते। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। चांस काय को लेता है, आप बैठो ना इधर, अगर वो लोग आ गया तो अपन अपना हाथ साफ कर लेगा उनपे। ठीक है, तो अपना हाथ साफ कर, मैं इन्हें स्टेशन छोड़ कर आता हूँ। चलिए देखिए, आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। प्लीज सुनिए, तो क्या बोला, फिर से बोल। क्या बोला? अपन क्या अकेला जाता मारा मारी करने को? तो क्या फुकड़ में मार खाने का शौक नहीं है, काय को लफड़े में पड़ने का? जिस लड़की का कोई अता पता मालूम नहीं, और ऐसे ही ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे थे। क्या वो दिल वो दिल की कलम से वाली? हाँ वो वाली है। अरे और तूने उसे जाने दिया, कैसा आशिक है यार। ए तेरा इंट्रो भी नहीं हुआ ना, तो चल यार बाइक निकाल। हेलो, हेलो, हाय। वो हमने सोचा कि वो गुड्डे शायद वापस आ जाए, इसलिए। हाँ डरिए मत, अपन लोग को तुम्हारा बॉडीगार्ड ही समझो। नहीं हम अकेले ही चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अपन आते ना साथ में, अपन लोग को बचपन से आदत है लड़की लोग को प्रोटेक्ट करने का। ए इधर आ। मैं ए साहब, साहब साहब बुलाता है, जाओ उधर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये बैंड बाजे की बारात लेकर कहाँ जा रही हो? कौन है ये? ये उसकी बहन है, बहन उसकी। क्या नाम है तेरी बहन का? क्या नाम है? मधुमोहिनी। और तेरा नाम क्या है? मधुमोहन। ये कौन है? ये उसकी बहन है, ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर। क्या नाम है तेरी बहन का? चंद्रमोहिनी। और तेरा नाम क्या है? चंद्रमोहन। आप खामोश क्यों खड़े हैं? ये आपकी बहन है? नहीं, ये वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं। क्या ये सच बोल रहा है? कौन है ये? हम नहीं जानते। उसको जानती हो? हम नहीं जानते। और वो? हम नहीं जानते। हमको जानती हो? हाँ, हमारे भैया। इतना मारूंगा तुझे, इतना मारूंगा कि मेरी बहन तो क्या, तू अपनी होने वाली बीवी को भी बहन कहेगा, समझा? जल्दी बात कर, हाँ इधर ला, इस तरफ बोल दे, बोल दे। हाँ हाँ, विकी विकी विकी, लफड़ा हो गया यार, तेरी बहन को कुछ लौंडे छेड़ रहे थे। पल्लवी पल्लवी, हम तुम
तुम्हें इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। पृथ्वी, ये क्या पागलपन है? आपको पता नहीं कि आपकी लाडली बेटी क्या गुण खिला कर आई? ठीक है, हम पूछते हैं। अरे आपने पूछा नहीं कि आपको ये कहा थी? पूछते हैं ना। पूछिए ना, पूछिए। किसकी इजाजत लेकर ये फिल्म देखने गई थी? किसकी इजाजत है? अरे तू चुप रह। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे होते ना तो आपकी लाडली बेटी उन बदमाशों के साथ चली गई होती बाइक पर। चुप रहता है कि नहीं विकी? ऐसे ही आपकी लाडली बिगड़ जाएगी, देख लेना। कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अरे विकी तू जानता नहीं कि इसने क्या किया है। आप कुछ मत कहिए। देख दो, पल्लू ने माँ को और हमें सब कुछ बता दिया। माँ की और हमारी सौगंध भी खाई है। ये सुने तो भैया, अगर कुछ गुंडे इसके पीछे पड़े थे तो क्या करती बेचारी? आपको यकीन नहीं आता? ठीक पल्लू, भैया खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। चलो। हम इस अखंड दिए पर अपने पिताजी की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपके दिल को दुख पहुंचे। हमें सौगंध है, हमें सौगंध है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस बेटा, अब तो यकीन आ गया ना तुझे? जा बेटा, जाके पढ़। अब तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? चलो भागो, जाओ यहाँ से, जाओ। भैया उन लड़कों का नाम पता तो बताइए। क्यों? उनके चेहरे पर दस्तखत करनी है। रहने देना, मैं पहले ही बहुत पीट चुका हूँ। भैया वो तो पुलिस का हिसाब था, अब विक्रम सिंह का अकाउंट अभी तक बाकी है। जब तक वो सेटल नहीं होगा हमें नींद कैसे आएगी? वो अशोक नगर में किसी कर्नल के वहां रहते हैं। अरे सुन, हाथ पांव नहीं तोड़ना, थोड़ा डिस्काउंट दे देना। अरे वो कौन है जो हमारी बहन से प्यार करता है? लगता है एक और आ गया। बताओ किसने कहा कि वो विक्रम सिंह की बहन से प्यार करता है? बताओ। वो हम थे। उन्होंने नहीं, वो मैंने कहा था कि मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरी गलती थी और उसके लिए मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। लेकिन अगर आप इस बात का हंगामा करना चाहते हैं तो मैं दोहरा कर फिर से भी कह सकता हूँ। अंकल आप भी गफला कर देता है, अगर गोली वोली लग जाता तो मर्डर केस बन जाता था। तो क्या हुआ, मैं खून करूं या मर्डर, दुनिया की कोई अदालत मुझे फांसी नहीं दे सकती। क्यों? मैं तो पागल हूँ। अरे अरे कितना मारा, जल्दी जाके दवाई लाना, मैं पैसा देता हूँ। ये लो बोला ना, जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, जाओ सब जाओ, जाओ। नेक्स्ट। माय गॉड, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, क्यों करते हो इतनी मारपीट? ये हिंसा अपने देश को कहां ले जाएगी? अस्पताल में। या? लेकिन हमने कोई हिंसा नहीं की, सब इसकी वजह से हुआ है। क्या हुआ? इन्हें प्यार का बुखार जा चढ़ा था, जो लड़की के भाई के सामने अपना प्यार का पेड़ा बांटने लगा। तो क्या बुरा किया? प्यार करना कोई गुनाह है क्या? सचमुच जंगली जानवर होगा वो लड़की का भाई। तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? अरे कैसे करते, वो लड़की का भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, अव्वल नंबर का शैतान साला हरामी कुत्ता। क्या नाम है उसका? पृथ्वी सिंह। और जिस गुंडे ने अपन का ये हाल किया वो भी उस लड़की का भाई निकला। क्या नाम है उस हराम की ढक्कन करे? विक्रम सिंह तो नहीं? हाँ वही। भगवान का शुक्र मानो कि बच गए, वरना ये पृथ्वी सिंह और विक्रम सिंह का जो बड़ा भाई है ना जी, वो तो बहुत खतरनाक है। MBBS है। MBBS? MBBS? या, MBBS, महाबोल बच्चन सूरज सिंह। सूरज सिंह? नाम पड़ा है कहीं? कहीं नहीं, यहीं पड़ा है बार बोर्ड पर, डॉक्टर सूरज सिंह MBBS। पकड़ो इन दिनों को। अच्छा लग रहा है? जलन हो रही है। जलन हो रही है ना? वो तो सिर्फ 5 मिनट ही जलेगा,
बाद में तो आग लगेगी यार। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।